गुड इवनिंग क्लास 10। आज क्लास 10 में थोड़ा लेट हो गया, कुछ अपने कामों में लग गया था। ठीक है, आज आप लोगों की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डाउट्स लेने हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने डाउट्स पूछे। सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आप में से किसी स्टूडेंट ने, नाम याद नहीं मेरे को इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, 11C के ये जो डाउट्स पूछे हैं, 8th, 6th और 4th, ये क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था कि कौन स्टूडेंट पूछेगा। तो अगर आप लोगों ने जेन्युइनली करके पूछे सो आई एम वेरी हैप्पी। ये क्वेश्चन पूछने लायक है भी और हर साल ये क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ डाउट्स जब वो लोग पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डाउट्स के साथ। इस क्वेश्चन में ये 11C का एक क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है पूरी डिटेल। ABC GP में दिए और AXBYC AP में दिए हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन है। ये दो पार्ट हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 11C का, ABC अगर GP में दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, जानते हैं ना क्या रिलेशन होगा, अच्छे से पता होगा आपको, B² = AC पता होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। और A, X, B, Y, C ये नंबर्स AP में दिए हैं तो इनका क्या मतलब है, ये देखिए इन तीन को देखिए क्या रिलेशन निकलेगा, ये रिलेशन निकलेगा X = A + B/2। कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने AP के स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन नहीं किया था, परेशान मत हो, ये रिलेशन लर्न कर लीजिए X = A + B/2। और अब इन तीन नंबर्स को देखिए, ये तीन नंबर्स B, Y और C, ये तीन नंबर्स अगर AP में है तो क्या रिलेशन होगा, Y = B + C/2। ठीक है, मैं एक बार फिर भी डिटेल में समझा देता हूं जिन स्टूडेंट्स ने AP नहीं पढ़ा उनके लिए। रूल ये होता है कि अगर X, Y, Z ये तीन टर्म्स AP में होती हैं तो बीच वाला नंबर यानी Y इक्वल होता है X + Z/2 के, बस इतनी सी बात है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये ऐसा फॉर्मूला लर्न करना है AP का, ठीक है। चलिए, तो ये दो बातें हो गई। अब आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में कि 1/X + 1/Y = 2/B है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ध्यान से देखेंगे हर लाइन को समझेंगे तो समझ में आई जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मैं LHS ले रहा हूं और RHS प्रूफ करूंगा। LCM ले लिया XY, सिंपल, और ये X कैंसिल हो जाएगा Y और Y कैंसिल होने के बाद आएगा X, ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब आप ये X और Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो Y की जगह लिखेंगे B + C/2, X की जगह लिख देते हैं A + B/2 और अपॉन में भी वैल्यू पुट कर दीजिए A + B/2 × B + C/2। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आएगा, ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट लगा लो, ज्यादा सही रहेगा ताकि गलती ना हो। अब न्यूमरेटर में LCM ले लेते हैं हम लोग 2, न्यूमरेटर में LCM ले लिया हमने 2 और ये आ गया B + C + A + B, ओके, और डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि गलती ना हो, प्लस नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो X × Y हो रहा है तो A × B AB, A × C AC, B × B D² और B × C BC अपॉन 2 × 4। ये देखो, तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो B + B क्या होता है बेटा, 2B + A + C / 2 × 4 / AC की जगह क्या लिख लेंगे आप, ये देखिए AC की जगह आप लिख सकते हैं B²। समझ में आ रही बात, B² और B² क्या होगा, 2B² होगा, तो 2B² लिख रहा हूं, तो AB + 2B² + BC। मुझे लगता है एक बार और समझा देना चाहिए, आइए देखिए, ये AC दिख रहा है आपको, AC यहां से AC की वैल्यू है B² तो B² + B² हो गया 2B². समझ में आया, प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ओके। अब इसे रब कर रहा हूं, इसे रब किया और ये 2 × 4 हो गया, इसे फिर से ब्रैकेट में, ब्रैकेट हमेशा लगाया करो, गलती बिल्कुल नहीं होगी या चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, × 2/2। अब इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन है बेटा, बी कॉमन है, अंदर आ गया A + 2B + C, बात खत्म, सवाल का आंसर आ गया 2/B। बहुत मुश्किल नहीं था, सिंपल था, बस ध्यान से कैलकुलेट करने वाली बात थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट भी बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि आपने पूछा है, बहुत अच्छा डाउट पूछा है और ये समझ में आया कि नहीं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर रिप्लाई करिएगा आप लोग, ठीक है ना। एंड डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, वेरियस स्कूल्स को, चाहे पॉल्स हो चाहे एंथनीज हो, कि ये सभी बच्चे भी बैच को ज्वाइन करें और इन्फॉर्म करिए ताकि सभी बच्चे अपने टाइम का मैक्सिमम और अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाए, इफ यू ऑल आर सेटिस्फाइड, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में पूछा है a अपॉन x प्लस c अपॉन y इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो LHS सॉल्व कर रहा हूं. बताओ बेटा पहला स्टेप क्या होगा. पहला स्टेप होगा एक्स वाई एलसीएम ए वाई प्लस सी एक्स, है ना. अब x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं न्यूमेरिकल और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. तो y की जगह लिख देते हैं b प्लस सी अपॉन 2 और x की जगह लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन 2. दोबारा से x और y, a प्लस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी अपॉन 2. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. a इंटू बी ए इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी अपॉन 2 एलसीएम ले लिया. 2 टू जा 4 मत कर देना, ये प्लस हो रहा है तो एलसीएम होगा. यहां पे 2 टू जा 4 होगा. ओके चलिए, तो ये आ गया इंटू 4 और यहां पर आ जाएगी ये टर्म. क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी बी सी. ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब देखिए ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या होगा, 2 ए सी. तो लिख देते हैं ए बी प्लस 2 ए सी प्लस बी सी अपॉन, ये आपको ए सी दिख रहा है ना, ए सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बी स्क्वायर. बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना होगा, 2 बी स्क्वायर पिछले पार्ट की तरह. तो ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस बी सी और ये यहां पर 2 और लिखना बाकी है. दोबारा से 2 ए सी, ए सी की वैल्यू फिर से बी स्क्वायर पुट कर देंगे. तो ये आ गया बच्चों ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस बी सी और मल्टीप्लाई बाय 2. जरा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, कट गया, आ गया सिर्फ 2 जो कि आपको चाहिए था. तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है. अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, मैं समझाता हूं फटाफट से. क्वेश्चन रीड खुद से करो, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन रीड आप लोगों को खुद करना चाहिए, मुझ पर डिपेंड मत हो. इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेस्ड टू द पावर एक्स, जीपी की हर टर्म की पावर एक्स लगा दें, जीपी की हर टर्म की पावर एक्स कर दें, तो रिजल्टिंग जो सीरीज होगी वो भी जीपी होगी. पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पूछा है कि रिजल्टिंग सीरीज भी जीपी ही बनेगी. ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं. ये 6th क्वेश्चन है 11C का. तो एक जनरल टर्म लेते हैं जीपी की. आपको पता है जीपी की जनरल टर्म्स क्या होती है, बेशक पता होगा जीपी की जनरल टर्म्स होती है a, ar, ar² ar³ ar⁴ ... यानी एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेस्ड टू द पावर एक्स, रेस्ड का मतलब उसकी पावर लगा दी हमने. कितनी पावर लगा दी, एक्स पावर लगा दी, एक्स पावर लगा दी. चलिए लगा देते हैं. नाउ आपने लिख दिया नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने हर टर्म की पावर एक्स कर दी, ए की पावर एक्स कर दी, इसकी पावर भी एक्स कर दी, थर्ड वाली टर्म की पावर भी एक्स कर दी, फोर्थ वाली टर्म की पावर भी एक्स कर दी, फिफ्थ वाली टर्म की पावर भी एक्स कर दी और सिक्स्थ वाली टर्म की पावर भी एक्स कर दी, सेवेंथ वाली टर्म की पावर भी एक्स कर दी, सभी टर्म की पावर एक्स कर दी और शो कर रहे हैं कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी जीपी ही है. अब रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी है या नहीं ये कैसे प्रूफ करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सीक्वेंस जीपी तब होगा जब t2 अपॉन t1 इक्वल होगा t3 अपॉन t2 के. तो लेट्स फाइंड t2 अपॉन t1 एंड आफ्टर दैट फाइंड t3 अपॉन t2. इफ दे आर सेम देन वी कैन से दैट द कॉमन रेशियो इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज जीपी. तो t2 अपॉन t1 फाइंड आउट करिए, a की पावर x, r की पावर x, अलग अलग कर लिया ऐसे, है ना, अपॉन a की पावर x, ये कैंसिल. क्या आ गया बेटा, r की पावर x आ गया. अब t3 अपॉन t2 करिए, a की पावर x इंटू r की पावर 2x अपॉन a की पावर x. तो सॉरी a की पावर x इंटू r की पावर x, t2 कर रहे ना, मैंने गलती से t1 लिख दिया था. तो ये हो गया r की पावर 2x अपॉन r की पावर x, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो r की पावर 2x माइनस x यानी r की पावर x. तो ये भी r की पावर x, ये भी r की पावर x, यानी कॉमन रेशियो इक्वल है, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो जीपी. ये प्रूफ हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पर आते हैं. 4th क्वेश्चन 11C का ही है. क्या कह रहे, देखिए जरा 4th क्वेश्चन लिखता है इन अ जीपी पीएथ टर्म इज ए, क्यूएथ टर्म इज बी, आरएथ टर्म इज सी.
तो पीएथ टर्म ए है। अच्छा अब एक बात बताइए, जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए होती है, लेकिन इसने बोला पीएथ टर्म ए है। यहां पर आकर के टेंथ का बच्चा गलती कर देता है। जब वो बोल रहा है कि पीएथ टर्म ए है, स्मॉल ए, जो कि जनरली नॉर्मली हम फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, पर उसने बोला कि पीएथ टर्म ए है, तो आप फर्स्ट टर्म ए मत लेना, कैपिटल ए ले लेना। अगर आप फर्स्ट टर्म भी जबरदस्ती ए लोगे तो गलती कर रहे हैं। जब वो कह रहा है कि पीएथ टर्म ए है, तो हाउ कैन यू टेक फर्स्ट टर्म एज ए? समझ में आ रही है ना बात? सो आप जब फर्स्ट टर्म ले तो कैपिटल ए लेना और कॉमन रेशियो भी कैपिटल आर लेना, क्योंकि यहां पर आरथ टर्म की बात उसने कर दी, ये वाला स्मॉल आर। अगर आपने कॉमन रेशियो भी स्मॉल आर ले लिया तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसीलिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेना। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? प्रिकॉशनली गलती हो जाती है, ओके? चलिए, तो पीएथ टर्म ए है, पीएथ टर्म क्या होगी भाई? टीपी, ये ए दिया है, फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पार पी माइनस वन। देखो ये कह रहा हूं मैं, देखो ये कह रहा हूं मैं, अब मैंने हालांकि इंटेंशनली किया है, मैंने पीएथ टर्म का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, ए आर की पार पी माइनस वन, अब मैं ए से कैंसिल कर दूंगा, हो गई गलती फर्स्ट स्टेप में, तो टीचर एकदम पकड़ लेगा, नंबर दे देगा जीरो, और तुम्हें यानी कि स्टूडेंट को पता ही नहीं पड़ेगा कि उसने कहां गलती करी यार, वो तो कहेगा ए से तो कटेगा ही कटेगा। तो जाने अनजाने में हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को ए मान लिया। भाई क्यों मान लिया? पीएथ टर्म ए है ना, तो फर्स्ट टर्म को कुछ और मान ले, ए से लेकर के जेड तक 26 अल्फाबेट है, जबरदस्ती है कि स्मॉल ए ही मानना है, बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल ए ले लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है? और ध्यान देना, और कॉमन रेशियो भी स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर मानना, ओके? चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्यूएथ टर्म बी है, क्यूएथ टर्म आपको दिया बी, तो क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला ए आर की पार क्यू माइनस वन, और आरएथ टर्म दी हुई है सी, आरएथ टर्म का फॉर्मूला ए आर की पार, देखो फिर से मैंने इंटेंशनली किया है, अगर मैं कॉमन रेशियो स्मॉल आर मानू तो स्मॉल आर की पार स्मॉल आर, तो यहां गलती हो जाती है। मैं इसीलिए इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि 16 साल से कॉपी चेक कर रहा हूं, 100 में से 80 बच्चे गलती करते हैं, 100 में से 80 बच्चे, तो आप लोग मत करिएगा, इसीलिए बहुत एम्फेसाइज देकर के कह रहा हूं। तो कॉमन रेशियो कैपिटल आर लेना है क्योंकि स्मॉल ए जो है वो क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है, स्मॉल आर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका है, इसीलिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर मानना है, ओके? लिख दीजिएगा इस बात को स्टार्टिंग में। तो ये हो गया भाई, ठीक है? अब हमें प्रूफ करना है क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस, आगे लिखा हुआ है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां लिखा हुआ है बुक में, आपके पास क्वेश्चन भी है। तो लॉग आ रहा है, तो पहले लॉग का नाइन्थ के फॉर्मूले जरा एक रिवाइज करा दूं आपको, ताकि क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? आइए देखिए, आपको शायद ध्यान होगा फॉर्मूला होता है लॉग ए बी का, लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, याद है नाइन्थ में पढ़ा था, और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग ए टू द पावर बी होता है बी लॉग ए। तो ये दो फॉर्मूले इसमें जबरदस्त तरीके से लगने वाले हैं। अब सुनिए, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो मैं आपको इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला पूरा ढंग से डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है? सेकेंड और थर्ड आपको खुद करने होंगे और सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि लास्ट में रिजल्ट में हमसे जीरो मांगा है, जीरो तभी आएगा जब सब कैंसिल होगा। सो मैं आपको ये समझा रहा हूं अच्छे से और कोशिश उम्मीद करता हूं कि आप सेकंड और थर्ड टर्म इसके ध्यान से समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे आएगा, आइए देखते हैं। ये लॉग ए लिखा हुआ है, तो ऐसा करिए इक्वेशन नंबर वन में लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लिया आपने दोनों साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन, तो लॉग ले लेते हैं, लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग ए आर की पार पी माइनस वन, तो लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पावर वाला है तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस सॉरी लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए प्लस पावर आगे आ जाएगी पी माइनस वन लॉग आर, ठीक है भाई? चलिए यहां तक आ गया, और सॉल्व करते हैं, ये आ गया लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग कैपिटल ए प्लस पी इंटू लॉग आर, पी इंटू लॉग आर माइनस वन इंटू लॉग आर, यानी कि लॉग आर, ये आ गया लॉग ए की वैल्यू। अब जरा क्वेश्चन में देखिए कि लॉग ए में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉग ए में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लॉग ए निकाल लिया मैंने, अब मैं करूंगा, अब मैं लिखूंगा नाउ
यहां लिख देता हूं अलग से इसे रब करके, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं नाउ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू माइनस आर का, तो क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए की वैल्यू मैं निकालूंगा, ठीक है। कैसे देखें, क्यू माइनस आर लॉग ए की वैल्यू ये जो है पूरी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लॉग ए प्लस पी लॉग आर माइनस लॉग आर, ओके समझ में आएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू इंटू लॉग ए, इसीलिए कह रहा था थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्यू इंटू सेकेंड टर्म यानी क्यू पी लॉग आर और क्यू इंटू लॉग आर माइनस का क्यू लॉग आर, ठीक है। अब माइनस आर का मल्टीप्लाई, माइनस आर इंटू लॉग ए माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म माइनस आर इंटू माइनस यानी कि प्लस लॉग आर, तो बेटा ये वैल्यू आई किसकी, क्यू माइनस आर लॉग ए की यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी बड़ी आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से जरा सेकेंड टर्म देखते हैं क्या है, सेकेंड टर्म देखते हैं आर माइनस पी इंटू लॉग बी, सेकेंड टर्म ये है, तो क्या करेंगे पहले तो सेकेंड इक्वेशन में लॉग ले लेंगे, लॉग बी की वैल्यू जैसे पहले निकाली थी, फिर आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर सिमिलरली थर्ड, और फिर तीनों को ऐड करेंगे, तो ये जो छह टर्म्स हैं और जो अगली छह टर्म्स आएंगी नेक्स्ट जो दो बार आएंगी वो सब आपस में कैंसिल होंगी, ऐड करके जीरो आ जाएगा। करके देखिएगा पूरा क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग कर पाएंगे अगर प्लस माइनस की गलती नहीं हुई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप में से किसी बहुत होशियार बच्चे ने पूछा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपने पूछा है बैक एक्सरसाइज में से, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के डाउट्स पूछते हो, बैक एक्सरसाइज यानी पेज नंबर 425 का क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, इसका मतलब है कि मैं सक्सेस हो गया क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए के आप लोग उस पर पीछे के क्वेश्चन भी करने स्टार्ट आप लोगों ने कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट और जोश भी आ जाता है पढ़ाने में। फाइंड आर ऑफ इनफाइनाइट जीपी यानी इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, हुज ईच टर्म इज 10 टाइम्स द सम ऑफ इट्स सक्सीडिंग टर्म्स, उसकी हर टर्म आने वाली टर्म्स के सम का 10 गुना है। थोड़ा अपने तरीके से समझा दूं, लिखा है हुज ईच टर्म यानी हर टर्म 10 गुनी है द सम ऑफ इट सक्सीडिंग टर्म, मतलब उसके बाद में आने वाली सारी टर्म्स के सम का 10 गुना है। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, शायद समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जैसे एक इनफाइनाइट जीपी है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो वो ये कह रहे हैं हूज ईच टर्म, मतलब उसकी हर एक टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहली टर्म ले लेता हूं, ये फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, 10 टाइम्स द सम ऑफ इट सक्सीडिंग टर्म्स, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ले ली, अब इसके बाद ये टर्म्स है इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक टर्म्स है, ठीक है, इन सबका जो सम है मतलब फर्स्ट टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स है उनका सम का 10 गुना है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ये 10 टाइम्स है, किसका 10 टाइम्स है, फर्स्ट टर्म के बाद में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनके सम का 10 गुना, ठीक है, तो यानी कि 10 टाइम्स है किसका, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर 4 प्लस एंड सो ऑन इनफिनिट, मतलब फर्स्ट टर्म अपने बाद में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सबके सम का 10 गुना है, ये कह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ए इज इक्वल टू 10, आपको पता है जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, अगर नहीं पता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो अगर नहीं डिस्कस किया तो अभी बता दूं, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, ओके तो लर्न कर लीजिए फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ए फर्स्ट टर्म है, बताइए सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, ए मत बोल देना, इसकी फर्स्ट टर्म अब ए आर है क्योंकि ये सीरीज अब यहां से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट टर्म की जगह लिखेंगे ए आर, फर्स्ट टर्म की जगह ए आर और 1 माइनस, कॉमन रेशियो की जगह भी आंख बंद करके आर मत लिख देना, कॉमन रेशियो निकालना, कॉमन रेशियो जरा निकालिए, टी टू अपॉन टी वन ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, आर आ गया, आर आ गया तो ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन अपनी तरफ से यानी कि फर्स्ट टर्म ए होती है, क्यों भाई किसने कहा, किसी ने कहा ही नहीं है, बस अपने आप मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए,
तो फर्स्ट टर्म इसकी ए नहीं है, फर्स्ट टर्म इसका ए आर है, फर्स्ट टर्म जो है वही लेनी है। ओके चलिए, तो बेटा ये ए से ए कैंसिल हो गया, वन माइनस आर इक्वल्स टू टेन आर और वन इक्वल्स टू इलेवन आर, तो आर आ गया वन अपॉन इलेवन, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहा हूं कुछ और मतलब कुछ थोड़ा सा नया करके, ठीक है आइए देखते हैं। अब देखो जरा कैसे, ये इनफाइनाइट जीपी हमने लिख दी, ठीक है अच्छे से समझाने के लिए एक बार और समझा रहा हूं। कह रहे हूज ईच टर्म, मतलब कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म, जैसे मैंने इस बार फर्स्ट टर्म उठाई थी ना, अब की बार में फर्स्ट टर्म उठा करके मान लो ये वाली टर्म ले रहा हूं, कौन से नंबर की, थर्ड टर्म ले रहा हूं। ओके थर्ड टर्म ले रहा हूं, तो थर्ड टर्म ले ली, वो कह रहा है हूज ईच टर्म, कोई भी टर्म, मैंने थर्ड टर्म ले ली तो मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूं, हूज थर्ड टर्म इज टेन टाइम्स द सम ऑफ इट सक्सीडिंग टर्म्स, मतलब जो थर्ड टर्म है वो अपने बाद में आने वाली टर्म्स के सम का, अपने बाद में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, यानी फोर्थ ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट तक, उनके सम का दस गुना है। तो ये थर्ड टर्म दस गुना है किसका, चौथी टर्म प्लस पांचवी टर्म प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। समझ रहे हैं, मैंने रैंडमली थर्ड टर्म ले ली इस बार, पहले फर्स्ट ले ली थी अब थर्ड ले ली, तो रटना नहीं है, समझना है कि क्या क्या रहा है वो क्वेश्चन। अभी इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है इनफाइनाइट जीपी है, क्यों इनफाइनाइट जीपी का सम क्या बताया, ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर क्यूब अपॉन वन माइनस आर, इसका कॉमन रेशो भी आर आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक बचेगा तो वन माइनस आर इक्वल्स टू टेन आर, तो इलेवन आर इक्वल्स टू वन, आर इक्वल्स टू वन अपॉन इलेवन, फिर से समझ में आई बात। तो फर्स्ट टर्म ली तो फर्स्ट टर्म के बाद, यानी कि सेकंड से इनफाइनाइट तक, थर्ड टर्म ली तो थर्ड टर्म के बाद, यानी फोर्थ से इनफाइनाइट तक, ये कह रहे हो, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है 11D का क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, मैं 11D का 13 क्वेश्चन शायद डिस्कस कर चुका हूं, अदरवाइज कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में फिर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करने से पहले, मे बी आई थॉट दैट आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्लासेस, अदरवाइज दोबारा भी पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा है 11D का 9th, ये भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं 11D का 9th। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल मत समझना दैट आई विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन, आई विल डेफिनेटली डिस्कस, पर मैं इसीलिए अभी नहीं कर रहा हूं कि मुझे लगता है शायद आप लोगों ने वीडियो लेक्चर पूरे नहीं देखे हैं, तो आप लोग पुराने वीडियो लेक्चर पूरे देखिए, 99% मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, 100% ये तो कर ही चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके लिख दीजिएगा, सर काइंडली रिपीट इट अगेन। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, हाँ एक और बात